हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड पावर एजुकेशन। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर 1 नेचुरल नंबर। दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी। ओके, ये नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। एज 1, 2, 3, 4, 5 and so on। नंबर 2 होल नंबर। दीज नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinitely। ये नंबर्स 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। नंबर 3 इंटीजर। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। इन नंबरों में नेचुरल नंबर और उनके इनवर्सेस को लिखा जाता है। एज -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 शो ऑन, इस तरह भी शो ऑन। ओके, नंबर 4 रेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। ये नंबर्स हमारे p अपान q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। एज 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4, 0 by 5। ओके, नंबर 5 इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी अपान क्यू। ये नंबर्स हमारे पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। एज √2, √3, √4, √5। ये नंबर्स हमारे रूट के फॉर्म में होते हैं। ओके, नंबर 6 रियल नंबर। इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इन नंबरों में सभी रेशनल और इरेशनल नंबर को सम्मिलित किया जाता है। दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। और इनको नंबर लाइन में शो किया जा सकता है, जैसे कि जीरो हो गया, 1, 2 upon 3 हो गया, -4 हो गया एंड 6। मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इन सभी को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग नंबर 7 के बारे में। प्राइम नंबर। दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इट सेल्फ। ये नंबर्स हमारे 1 से बड़े होते हैं और इनके फैक्टर्स केवल वही संख्या और 1 हो सकती है। एज 2 इनके फैक्टर हो जाएंगे 1
एंड टू. ओके, नंबर एट कंपोजिट नंबर. दीज नंबर्स हैव फैक्टर्स मोर देन टू. इन नंबरों के दो से अधिक फैक्टर होते हैं. एज एट इसके फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 and 8. ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में. नंबर 1, ये 0 आर रेशनल नंबर. क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपान क्यू? क्या इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0. जहां पे हमारे पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक, और क्यू 0 नहीं होना चाहिए. ओके, लिखते हैं. यस, 0 इज अ रेशनल नंबर. एज एग्जाम्पल देख लेते हैं. 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4. ओके, नंबर सेकेंड, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को फाइंड करना है. ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम लोग नंबर्स को ले लेते हैं. फर्स्ट नंबर है 3 एंड सेकंड नंबर है 4. इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर ले लेते हैं 1. ओके, अब देखते हैं हम लोग कि हमारे रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं. तो कितने फाइंड करने हैं? 6. 6 में 1 को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 7, और इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में. इसी तरह इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्व करते हैं. 7 का मल्टीप्लाई 3 पे 21, अपान 7 का मल्टीप्लाई 1 पे 7. इसे सॉल्व करते हैं. 7 का मल्टीप्लाई 4 से 28, अपान 7 का मल्टीप्लाई 1 से 1. अब हम लोगों की ये 21 अपान 7 एंड 28 अपान 7, इनके बीच के नंबर को फाइंड करेंगे तो वही हमारे होंगे 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर. ओके, तो इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे हमारे? 22 अपान 7, 23 अपान 7, 24 अपान 7, 25 अपान 7, 26 अपान 7 एंड लास्ट 27 अपान 7. ओके, तो ये हमारा सेकंड नंबर सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. कितने नंबर फाइंड करने हैं? 5. तो 5 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6. तो 6 से हम लोग इन संख्याओं पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. फर्स्ट संख्या है 3/5 एंड सेकेंड 4/5.
दोनों पे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके अब करते हैं मल्टीप्लाई, सिक्स का मल्टीप्लाई थ्री पे 18 अपन फाइव का मल्टीप्लाई सिक्स पे 30, सिक्स का मल्टीप्लाई फोर पे 24 अपन सिक्स का मल्टीप्लाई फाइव पे 30। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में फाइव रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। फर्स्ट हो जाएगा 19 अपान 30, 20 अपान 30, 21 अपान 30, 22 अपान 30 एंड लास्ट 23 अपान 30। ओके क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमको इन हम लोगों को ट्रू एंड फॉल्स को बताना है, गिवेन रीजंस फॉर योर आंसर, और ये क्यों ट्रू या फॉल्स है इसका रीजन भी देना है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर है? यस। ओके इसका आप रीजन देना है तो चलिए रीजन देते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है एज 1 2 3 4, ये हमारे होल नंबर में आते हैं। ओके नंबर सेकंड, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होता है? नो। ठीक है नो निगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी होल नंबर। क्योंकि निगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल -2 -3। ओके नंबर थर्ड, एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नो। बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर कैन नॉट बी हो
फोन नंबर। एज 0.3333। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।